brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. मई में एक मामले के सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बी आर गवई ने कहा कि हर किसी को डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी से सीखना चाहिए कि सभी अदालतों में बिल्कुल सही समय पर कैसे उपस्थित रह सकते हैं। ये बात अदालत के जस्टिस ने कही थी और इस पर सॉलिसिटर जनरल एसजी तुषार मेहता ने जवाब दिया कि हाँ, सिंघवी कभी छुट्टियां भी नहीं लेते। ये कुछ मजेदार बातें थीं जो आपको सबसे पहले ही पंचलाइन के लिए बताया, लेकिन आज अभिषेक मनु सिंघवी की कहानी बताएंगे। वरिष्ठ न्यायाधीश और वरिष्ठ कानून अधिकारी की टिप्पणी अभिषेक मनु सिंघवी के महत्व को प्रमाणित करता है, जिन्होंने विपक्ष की ओर से अदालत के अधिकांश विवादों को संभाला है। कई केस इन्होंने संभाला, चाहे वो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जमानत के लिए दलीलों का नेतृत्व करने से लेकर दिल्ली के लोकसभा चुनाव से पहले जो दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिलाने तक। अभिषेक मनु सिंह भी भरोसेमंद कानूनी सलाहकार रहे हैं, और हो भी क्यों नहीं। वास्तव में जब 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल के नाटकीय गिरफ्तारी के बाद राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के परिवार के पास पहुंचे और उन्हें कानूनी मदद की पेश की, तो उन्होंने यह स्पष्ट कहा था कि अदालतों में आरोप का नेतृत्व कौन करेगा। सबसे पहला सवाल यही था कि आखिर कोर्ट में जाएगा कौन। सिंघवी ने केजरीवाल के खिलाफ ईडी के आरोपों को खारिज कैसे किया, पहले वो समझ लीजिए, उसके बाद इनके आगे की कहानी बताएंगे। अरविंद केजरीवाल के लिए सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में पेश होते हुए वरिष्ठ वकील ने राजनीतिक रूप से खतरनाक शराब नीति मामले में बिंदु दर बिंदु खंडन के साथ ईडी के आरोपों की आलोचना की। दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के टाइमिंग का मुद्दा उठाया। अब ये तर्क सुने कि वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के 5 दिन बाद ही केजरीवाल को ईडी ने हिरासत में ले लिया था। सिंघवी द्वारा ये मुद्दा उठाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ते सुझाव दिया कि वे 25 मई को दिल्ली में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अंतरिम जमानत देने पर विचार करेंगे। अंततः अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक जमानत दे दी गई है। सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर न करके और इसके बजाय केजरीवाल की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को चुनावी देने का माहौल तैयार किया। कैसे किया, क्या तर्क दिया, ये भी आपको बताते हैं। जब न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने पूछा कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख ने जमानत याचिका क्यों दायर नहीं की, तो सिंघवी ने जवाब में कहा, क्योंकि गिरफ्तारी अवैध है, जमानत के लिए आवेदन करना या स्वीकार करना होगा कि गिरफ्तारी वैध थी। ये पॉइंट था वकील की तरफ से। उसके बाद उन्होंने ईडी के इस तर्क में भी अब खंडन किया, एक नया लॉजिक लगाया। केजरीवाल अब खत्म हो चुकी दिल्ली शराब नीति के किंगपिंग और प्रमुख साजिश करता थे, ये बात कोर्ट में बताई गई थी और कही गई थी। शीर्ष वकील ने बताया कि मामले में सीबीआई द्वारा दायर 5 आरोप पत्रों और ईडी द्वारा 3 अभियोजन शिकायतों में से किसी में भी केजरीवाल का उल्लेख नहीं किया गया है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जुलाई 2023 तक दर्ज किए गए 15 गवाहों के बयानों में अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं आया। इस बात पर जोर देते हुए कि जांच एजेंसी के पास दिल्ली के मुख्यमंत्री की संलिप्तता का कोई भी सबूत नहीं है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री उसमें शामिल थे। सिंघवी ने आगे तर्क दिया कि अगर ईडी ने सोचा था कि अरविंद केजरीवाल इसमें शामिल थे, तो उन्होंने दोषी अरविंद केजरीवाल यानी सीएम को 1.5 साल तक खुला क्यों छोड़ दिया, ये या फिर खुला क्यों रहने दिया, आपने तब 1.5 साल पहले क्यों नहीं गिरफ्तार की थी, ये तर्क था। अब वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से गवाहों के बयान में विसंगतियां को उजागर किया कि क्या क्या त्रुटि रही थी, जिससे ये पता चला कि गवाहों पर आप प्रमुख के खिलाफ यानी केजरीवाल के खिलाफ बयान देने के लिए दबाव डाला गया था। सिंघवी ने ईडी के इस आरोप का भी खंडन किया कि मुख्यमंत्री 9 बार पूछताछ के लिए संबंध में शामिल नहीं हुए। इस अदालत ने पिछले साल कहा था
कि असहयोग पीएमएल के तहत गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता। सिंघवी ने कहा कि किसी को केवल अपराध के सबूत पर गिरफ्तार किया जा सकता है, महज संदेह पर नहीं। उन्होंने कहा कि यह धारा 45 पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कानून के सीमा है। अब यह भी समझ लीजिए कि संजय सिंह के खिलाफ जो ईडी ने लगाया था उसमें कैसे सिंध लगाए अभिषेक मनु सिंघवी ने। अभिषेक मनु सिंघवी ने संजय सिंह की जमानत याचिका का भी नेतृत्व किया, जिन्हें अक्टूबर 2023 में इसी मामले में गिरफ्तार किया था। उसमें क्या तर्क दिया गया था यह भी समझ लीजिए कि यह तर्क देते हुए ईडी ने सिंह को गिरफ्तार किया था, उन्होंने कहा था कि आवश्यकता प्रशिक्षण पास नहीं है। सिंघवी ने कहा कि जांच एजेंसी आप नेता की गिरफ्तारी के बाद से 5 महीनों में कोई भी सबूत स्थापित नहीं कर सके हैं, आप कोई भी सबूत नहीं ला पाए। संजय सिंह के खिलाफ ईडी का मामला व्यवसायिक दिनेश अरोरा के बयानों पर आधारित था, जो एजेंसी के अनुसार आप और साउथ ग्रुप के बीच में रिश्वत का माध्यम बनता है। अरोरा ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में सरकारी गवाह बन रहे हैं। ये तर्क सिंघवी की तरफ से कोर्ट में दिया गया था, क्योंकि उन पर भी कोई सबूत पेश नहीं किए गए थे, सिर्फ आरोप थे। सिंघवी ने आगे बताया कि कथित तौर पर संजय सिंह को फंसाने वाले अरोरा के बयान उनके 10वें बयान में दिए गए थे। पिछले 9 बयानों में किसी भी तरह से राज्यसभा सांसद का उल्लेख नहीं किया गया था, जिसको लेकर संजय सिंह भी कहते रहे हैं कि हमें जानबूझकर फंसाया गया है। और अंत में 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत दे दी और इसे आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव से पहले बहुत ही बढ़ावा मिला, चुनाव में सपोर्ट भी मिला। अब केजरीवाल के बेल के बाद सिंघवी में भी खुशी दिखी कि दिल्ली शराब घोटाले में जब जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी। पिछले सुनवाई में भी शीर्ष अदालत ने इस बात के संकेत दे दिए थे कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे सकती है, और यही बात हुई कि 1 जून तक उन्हें अंतरिम जमानत दे दी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। कोर्ट ने केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर होने को कहा है। अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। काफी नाटकीय ड्रामा हुआ था और इस मामले में अदालत में केजरीवाल का पक्ष भी अभिषेक मनु सिंघवी ही रख रहे थे। फैसले के बाद जोरदार खुशी अभिषेक मनु सिंघवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और जताया भी अपनी खुशी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केंद्र सरकार और बीजेपी की नजर में उन्होंने लिखा कि जो भारत के मोस्ट वांटेड है वो 6 हफ्ते में बाहर आ गए। बीजेपी को लेकर कहा कि बीजेपी के लिए मोस्ट वांटेड थे। अदालत के फैसले के बाद सिंघवी ने एक के बाद एक 2 ट्वीट किए, जिसमें से पहले में उन्होंने लिखा कि केजरीवाल के आदेश को लेकर मीडिया से अनुरोधों की बाढ़ आ गई है और 2000 के बाद से जब मैं प्रवक्ता बना, मैंने एक बार भी उन मामलों के बारे में सुनवाई के दौरान राजनीतिक रूप से बाहर बात नहीं की। इसमें मैं अदालत में उपस्थित हुआ, इसलिए मैं मीडिया से माफी मांगता हूँ और इस फैसले से जुड़े मामलों में जो बात कही जा रही है कि हम धूल का गुब्बार छटने के बाद यानी कुछ समय बाद आपसे बात करेंगे, ये उन्होंने ट्वीट कर मीडिया के साथियों को कहा। वहीं अगली ट्वीट भी अभिषेक मनु सिंघवी ने किया और उस ट्वीट में एक्स पर लिखा कि हमारे लोकतंत्र की ताकत है कि केंद्र सरकार की तरफ से भारी कानूनी गोला बारूद खर्च करने के बाद भी भारत का मोस्ट वांटेड यानी कि सरकार, केंद्र सरकार और बीजेपी के अनुसार उन्होंने मोस्ट वांटेड को कोट किया है, 6 हफ्तों में ही बाहर आ गया, तो वो भी तब जब चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन बाकी हैं। हमें हर हाल में लड़ना चाहिए और उम्मीद नहीं खोना चाहिए, सत्य की जीत हमेशा होती है। सिंघवी की तरफ से ये ट्वीट था। अब सुनवाई की भी कहानी सुन लीजिए कि क्या क्या कोर्ट में लॉजिक दिया गया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार केजरीवाल को 2 जून को आत्मसमर्पण करना होगा और जेल वापस जाना होगा। हालांकि दोनों जजों के पीठ ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप 2-4 दिन टाइम और दे दीजिए, 5 जून तक अंतरिम जमानत दे दीजिए, इसका अनुरोध किया गया था लेकिन कोर्ट ने इसे नकार दिया। इस तर्क को कोर्ट में रखा गया तो जज ने कहा कि नहीं नहीं, शीर्ष अदालत केजरीवाल के उस याचिका पर सुनवाई कर रही है जिस मामले में कई बार उनके गिरफ्तारी को लेकर सरकार
और ये भी कहें कि गिरफ्तारी को बरकरार रखने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के पिछले महीने के फैसले को चुनौती दी गई है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। अब यहां पर आपको यह भी समझिए कि यह मामला दिल्ली सरकार की 2021 और 2022 के लिए अब रद्द कर दी गई है। आबकारी नीति के निर्माण और जो भी क्रिया हुए थे उसमें कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को जब गिरफ्तार किया गया था उसके बाद से काफी मशक्कत हुई थी कि केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे कि नहीं। केजरीवाल की तरफ से कार्यकर्ता ये कह रहे थे कि जेल का ताला टूटेगा और केजरीवाल जेल से छूटेगा। आखिरकार वही आज हुआ। और इससे पहले 9 मई को भी ईडी ने उनकी जमानत पर विरोध किया था। ईडी ने कहा था कि सामान्य नागरिकों की तुलना में एक राजनेता किसी विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकता। अपराध करने पर उसे किसी अन्य नागरिक की तरह ही गिरफ्तार और हिरासत में लिया जा सकता है। जिस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि दीपांकर दत्ता की पीठ ने यह कहा कि कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना ही होगा और उसके बाद उन्हें अंतरिम जमानत दे दी गई कि वो 2 जून को जेल जरूर जाएंगे। लेकिन चर्चा होने लगी अभिषेक मनु सिंघवी की कि अभिषेक मनु सिंघवी ने इतने कारगर तरीके से तर्क रखा कि संजय सिंह को भी छुड़ा लाए और अरविंद केजरीवाल को। इनके बारे में बताते हैं कि ये कौन है, इनके शिक्षा दीक्षा कब हुई। सांसद अभिषेक मनु सिंघवी वकील भी हैं। शिक्षा की अगर बात करें तो उन्होंने बीए किया है, एमए किया है, पीएचडी की है। इसके अलावा सिंघवी ने पीआईएल की पढ़ाई के लिए सेंट कोलंबिया स्कूल दिल्ली को चुना और यही नहीं ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज, अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी उन्होंने पढ़ाई की है। सिंघवी ने 1983 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री हासिल की थी। उन्होंने जुडिशियल साइंस में PhD की डिग्री हासिल की। अब आपको बताते हैं कि हाल ही में जब चुनाव आयोग को हल्फनामे दिए थे तो अभिषेक मनु सिंघवी के बारे में, उनके धन और उनके अमीरी के बारे में जानकारी दी गई थी। उन्होंने खुद दी थी कि उनके पास कितनी संपत्ति है। सिंघवी के पास नगद 70 लाख रुपए हैं और उनके पत्नी के पास 2,84,000। वहीं उनकी अचल और चल संपत्ति करोड़ रुपए में है। उनके पास मर्सिडीज बेंज है, टोयोटा फॉर्च्यूनर सहित 2 चार पहिया वाहन भी है। 50 ग्राम सोना है और 60 किलो चांदी भी उनके पास है। लेकिन चर्चा हो रही है अभिषेक मनु सिंघवी का जो तर्क था सुप्रीम कोर्ट के सामने उसको लेकर कि उन्होंने कैसे 2 नेताओं को जेल से छुड़वाकर बाहर ले आया। फिलहाल अब दिख रही न्यूज़ तक।